को धन्यवाद के लिए 48 किलोमीटर दूर पर ग्राम शिखर के पास में लेता है। इसकी उपयोगी जल भराव क्षमता 1.88 प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से अमृत सरोवर को केंद्रित किया गया है, जो कि देश के शहीदों के याद में जल संरक्षण हेतु गांव में मनरेगा द्वारा निर्मित कराया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, माहौल पत्ता से दो नापत्तल निर्माण कार्य, झांकी में समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को छत्तीसगढ़ का ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से सीमार्ट के माध्यम से विक्रय का प्रदर्शन किया गया है। प्रस्तुत झांकी में न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत संग्रहित किए जाने वाले 65 प्रकार के विभिन्न वनोपजों का प्रदर्शन किया गया है। विभाग द्वारा इको टूरिज्म बढ़ावा देने हेतु ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए वन धन विकास योजना प्रारंभ की गई है। वन धन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर आर्थिक उत्थान करना है। इस योजना अंतर्गत वनों में पाए जाने वाले वनोपजों एवं संरक्षित किया जा रहा है। और इस प्रकार से राम जिले अंधेरे से खुशका या दुर्गामी कदम। अब यह झांकी जो आ रही है 9वें नंबर पर, वह झांकी है वन विभाग पर वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए प्रस्तुति वन धन विकास योजना। वन विभाग द्वारा प्रस्तुत झांकी में वन धन विकास योजना को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत झांकी में ग्रामीण बैंक द्वारा डिजाइन का विस्तार कार्य एवं 233 नक्श टावर लगाया। गाँव केंद्र के निर्माण से अपनी पदर एवं देवभोग क्षेत्र के लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। इससे लगभग 175 ग्रामों में 43,000 संख्यावन लोग का लाभान्वित। जो ग्राम इंदा गाँव में 125 के लिए माध्यम से किया जा रहा है। और इस प्रकार से ग्राम जिले अंधेरे से खुशका या दुर्गामी कदम। अब यह झांकी जो आ रही है 9वें नंबर पर, वह झांकी है वन विभाग की झांकी। वन विभाग जिला गरियाबंद वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए वन विकास योजना बिजली वाला जी समूहों के द्वारा क्रय लघु अनुपजों का वन धन विकास केंद्रों में प्रसंस्करण कर मूल्य समर्थन करते हुए जीवन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें समूहों के द्वारा वनोपजों के का निर्माण, माहौल पत्ता से दो नापत्तल निर्माण कार्य, झांकी में समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को छत्तीसगढ़ का ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से संजीवनी तथा सीमार्ट के माध्यम से विक्रय का प्रदर्शन किया गया है। प्रस्तुत झांकी में न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत संग्रहित किए जाने वाले 65 प्रकार के विभिन्न वनोपजों का प्रदर्शन किया गया है। विभाग द्वारा
और टूरिज्म बढ़ावा देने व्यक्ति जिगरा पगार जसबई एवं घटा रानी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आवर्ती कराई योजना अंतर्गत आदर्श गौठान को प्रदर्शित किया गया है। वन धन विकास केंद्र का मुख्य उद्देश्य वनोपजों का संग्रहण एवं मूल्य संवर्धन कर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। वन क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए वन धन विकास योजना प्रारंभ की गई है। वन धन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर आर्थिक उत्थान करना है। इस योजना अंतर्गत वनों में पाए जाने वाले वनोपजों एवं वन औषधियों को एकत्रित करना द्वारा करने के लिए अभियान अंतर्गत जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बच्चों को विद्यार्थियों को गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने की दिशा में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह नाट्य के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके बाद जो प्रस्तुति है वह है कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग गरियाबंद की जांच ग्रामिंदा गांव में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के साथ साथ और का उत्पादन में वृद्धियों को आजीविका को बढ़ाना है। उसके बाद जो प्रस्तुति है सातवें नंबर की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद की प्राथमिक टीकाकरण अभियान भारत सरकार
दशहरे दिवस में शामिल किया जाता है। यह वह समय है जब बच्चों का तेजी से विकास होता है।